नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। पंचायत चुनाव का विपुल बन चुका था, प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म भी जमा किए थे और आज रहली जनपद पंचायत में भी जो भी है स्क्रूटनी होनी थी, तमाम प्रत्याशी जो भी यहां पर आए हुए हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच में सरकार का एक बड़ा ऐलान हुआ है और अब इस ऐलान से लगभग ये समझ में आ रहा है कि अब पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में एक बैठक की है, तमाम मंत्री और विपक्ष के नेता इनके साथ में रहे हैं और एक बात निकल कर सामने आई है कि जो ओबीसी के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे अब वो चुनाव साथ में होंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव है वो जो ओबीसी सीटों के लिए जो उन्होंने वो अलग से किया था आरक्षण के चक्कर में, तमाम चुनाव एक साथ होंगे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया और इसके लिए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव है अब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल विधानसभा में यह बैठक चल रही है और शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की अभी तक हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इन तमाम चीजों से जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के सरपंच हैं और तमाम पदों के लिए आरक्षण हो चुके थे ओबीसी को छोड़ करके, उन्होंने अपने जो कि नामांकन भी दाखिल किए थे। तमाम नामांकन दाखिल करने की कल लास्ट तारीख थी और इसी के बीच में आज जो कि है स्क्रूटनी यहाँ जनपद पंचायत भवन में चल रही है। तमाम आप देख सकते हैं तमाम प्रत्याशी आए हैं, तमाम प्रत्याशियों के साथ साथ अब आज स्क्रूटनी होनी थी। लेकिन इसी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है जहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो ओबीसी महासभा है उसके भी जो चुनाव है वो साथ में होंगे। तो ओबीसी के और तमाम लोगों के चुनाव अब साथ में होंगे, वो ओबीसी आरक्षण के साथ जो कि है वो चुनाव कन्वर्ट करेंगे और सभी के साथ में चुनाव होंगे। अब ओबीसी के लिए अलग से कोई भी अभी आदेश नहीं आया है और इसके लिए शिवराज सिंह ने साफ साफ ही कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो तमाम चीजों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तक के लिए इतना ही। लाइव अपडेट के लिए बने रहिए खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे थे खबर एक्सप्रेस। तो ये नया जो सामने नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप फिर से खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। और हमने अभी बताया कि तमाम चीजें थी, स्क्रूटनी चल रही है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इसी के बीच मुख्यमंत्री साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसे देखकर यह लग रहा है कि या तो चुनाव स्थगित होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इस चीज को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि जो ओबीसी के चुनाव है और जो आम चुनाव है वो सब एक साथ हो। तो तमाम चीजें हैं स्क्रूटनी के लिए, यहाँ प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं। तो हम तमाम लोगों से एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है? तो क्या है, किस उद्देश्य से आप आए थे आज जनपद? क्योंकि आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फार्मों की स्क्रूटनी थी, जो इसी बीच ये जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था जिस पर आज पर्याप्त बहस हुई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का जो बयान आया है उसके मामले में मैं और मेरा मानना है कि एक इतनी बड़ी आबादी के बिना चुनाव संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सभी के लिए अवसर मिलना चाहिए। जो एक हफ्ते से ये मामला जुड़ रहा था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कानून के अंदर की जो बातें होती हैं उसके अंदर से हर दिन हर घंटे पल पल का जो अपडेट ले रहे थे चुनाव लड़ने वाले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को, इतनी बड़ी आबादी का उन्होंने पक्ष लिया और अपना पक्ष रखने के माननीय उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे और ओबीसी को इसमें शामिल करके ही चुनाव होना चाहिए, तभी तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बगैर ओबीसी के चुनाव संभव नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ओबीसी भाइयों के लिए भी पर्याप्त अवसर मिले इस व्यवस्था में भाग लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सरकार का, किस पक्ष के लिए उन्होंने आज समझा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम चीजों के बीच में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने अभी अभी एक
विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर ये ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो तमाम इन प्रयासों से लग रहा है कि अब पंचायत चुनाव जो है वो स्थगित हो सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम? शंकर। क्या लग रहा है आपको? आपने कहाँ से फॉर्म भरा था? बोलिए, फॉर्म भरा था सरपंच पद के लिए। आज के आज दिनांक को स्कूटनी चल रही थी, इसी दौरान जो जानकारी मिली है माननीय स्वराज के चौहान का जो बयान आया है, उस हिसाब से जो उन्होंने लड़ा लिया है उस हिसाब से कदम ठीक है होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए। तो जो प्रत्याशी हैं, तमाम पंचायत के चुनाव जो सरपंच के दावेदार हैं और पंचों के दावेदार हैं, जनपद सदस्य के दावेदार हैं, वो तमाम प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में फिलहाल हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम? क्या आपने कहाँ से फॉर्म भरा है? काय का भर पंचायत सरपंच पद का फॉर्म भरा है? क्या लग रहा है आप? हमको सरकार की वो असमंजस में है कि चुनाव करवाए नहीं करवाए, इसी चक्कर में प्रत्याशियों का भी गुस्सा है, कम अटपड़ हो रहा है। कभी होता है कि चुनाव हो रहा है तो प्रत्याशी अपने पूर्ण जोश से अपनी ग्राम सभा में लग जाते हैं प्रचार करने के लिए। अभी भी आ रहा है उनका उत्साह कम हो रहा है, चुनाव हो ना हो उनका खर्चा तो पूरा हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो आगे टल सकते हैं, डेटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये बड़ा बयान है और ये बहुत बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि ओबीसी के चुनाव और तमाम चुनाव एक साथ में हों। ओबीसी के लिए अभी एक आदेश आया था जिसमें ओबीसी के चुनाव नहीं होने थे, लेकिन अब विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान साहब ने यह जो कि यह फैसला दिया है और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर देवी सिंह। कहाँ से भरा? भरा कहाँ, बनने की प्रयास में थे, वार्ड नंबर 13 ओबीसी का था, लेकिन वर्तमान सरकार की षड्यंत्र पूर्वक जो राजनीति चल रही है ओबीसी का आरक्षण रोका गया है। भाजपा कहती है कांग्रेस रोकना चाहती है और कांग्रेस कहती है कि भाजपा रोकना चाहती है। मुझे लगता है दोनों की मिलीभगत से ये ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है और जब तक ओबीसी आरक्षण क्लियर नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। अथवा ओबीसी का आरक्षण किस तरह लागू करना है, ओबीसी के जो 70% लोग हैं लगभग उनके साथ अन्याय ना हो, चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होने चाहिए, चुनाव का समय भी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण यदि नहीं लिया जाता है तो निस्संदेह पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन होंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ग को छोड़ के उनके अधिकारों का हनन करके यदि चुनाव होता है तो ये गलत है। सरकार को एक वर्ग को छोड़ के अधिकारों का जो ओबीसी के हनन करना है, ये बात विवेक तनखा ने भी सुप्रीम कोर्ट में रखी थी और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, इन तमाम लोगों के ऊपर विवेक तनखा जो अधिवक्ता हैं राज्यसभा सदन के सदस्य भी हैं, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का भी कल दावा किया है। तो इन तमाम चीजों के बीच में अब ओबीसी सड़कों पर उतरेगी ये उन्होंने बताया है और ओबीसी जबरदस्त जो कि ये विरोध सरकार का करेगी। तो तमाम चीजों के लिए अभी तक के लिए हमारी यही अपडेट थी। और आप कहाँ से आए? हम काशी गोरिया से आए। काय का चुनाव फार्म भरा? मुझे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना था, लेकिन ओबीसी सीट होने के कारण अभी ओबीसी पर रोक लगी हुई है और ओबीसी जो 70% संख्या में है देश में, मैं कहना चाहता हूँ दोनों सरकारों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो इसका खामियाजा दोनों पक्षों को बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि हम सभी ओबीसी के लोग जाके अब सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोनम सरकार ने कुछ समझा ही नहीं ओबीसी जबकि बहुत भारी संख्या में है, और यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो निश्चित भारी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश में। तो ओबीसी को अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो जो ओबीसी सभा के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार का जबरदस्त विरोध करेंगे, ये बात तो तय है।
लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो एक बयान मुख्यमंत्री साहब का आया है, बड़ा चौंकाने वाला ये बयान है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर ये कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो ओबीसी के चुनाव हों और आम चुनाव वो सब एक साथ हों। तो अभी तक रहली जनपद पंचायत में जो है स्कूटनी चल रही थी, नामांकन कल तक दाखिल हो गए हैं। इन तमाम चीजों के बीच में बड़ी खबर आई थी। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मैं हूँ सत्यनारायण शुक्ला और आप सीधा लाइव हमारा देख रहे थे।